हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था फास्टनर के बारे में, हमने एक वीडियो में नट के बारे में पढ़ा, बोल्ट के बारे में पढ़ लिया है। तो आइए उससे आगे की टॉपिक को पढ़ते हैं। तो जैसा कि जब पार्टों को हम नट और बोल्ट के द्वारा अस्थायी रूप से जोड़ते हैं तो क्या होता है, नट के दबाव से पार्ट के खराब होने की संभावना ज़्यादातर रहती है, या फिर नट के द्वारा पार्ट की सरफेस पर स्क्रैच वगैरह बन जाती है, या फिर उस जहाँ पर कंपन वगैरह होते हैं वहाँ पर वाइब्रेशन की वजह से नट कभी कभी ढीला भी हो जाता है। तो इन सब जो डिसएडवांटेज होते हैं इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, नट और बोल्ट के साथ एक धातु का खोखला टुकड़ा प्रयोग करते हैं। धातु का टुकड़ा होता है जो कि बीच से क्या होता है, मीन्स उसमें होल होता है, इसको हम वाशर के नाम से जानते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाशर के बारे में कि वाशर का प्रयोग क्यों किया जाता है, वाशर किसका बना होता है। तो वैसे बात की जाए वाशर के मेटल की तो ये जनरली धातु के पत्ती सीट के द्वारा बनाया जाता है, या कभी कभी कार्य के अनुसार ये नॉन फेरस अलॉय का भी बनाया जा सकता है, बट जनरली धातुओं का ही बना होता है। तो वाशर का कार्य क्या होता है, सबसे मुख्य कार्य कि नट के दबाव को क्या करता है, क्षेत्र को बढ़ाता है। मान लीजिए जब वाशर नहीं है तो जो नट का दबाव है बहुत कम सेक्शन पे लग रहा होता है, जब हम वाशर लगा देते हैं तो दबाव काफी अधिक क्षेत्र में वितरित हो जाता है, काफी लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कह सकते हैं ये बड़े क्षेत्र में बल को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, वितरित कर देता है। जो हम फोर्स नट पे लगा रहे हैं तो नट के द्वारा जो वर्कपीस पर फोर्स लगाया जाता है वो काफी लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दूसरा कार्य होता है कि वर्कपीस पर क्या जो स्क्रेच वगैरह आती है, जो उस पर क्षति हो जाती है, जो डिस्टॉर्शन वगैरह होती है, उस क्षति को क्या करता है, ये बचाता है, स्क्रेच वगैरह जॉब पर नहीं आती है। और इसका काम क्या होता है, जहाँ पर काफी कंपन वगैरह होती है, वाइब्रेशंस होती हैं, उसके कारण कभी कभी नट ढीला हो जाता है, तो उसको भी क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को ये ग्रहण कर लेता है, एब्जॉर्प्शन को सोख लेता है अपने आप में, तो एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है जो भी उसमें वाइब्रेशन वगैरह होती है, जॉर्किंग्स वगैरह होती हैं, और इससे कि नट ढीला नहीं होता है। और साथ ही साथ जो घर्षण के कारण जो नट की पकड़ होती है वो भी वाशर के द्वारा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वाशर का कार्य क्या होता है, तो वाशर का जो मेन कार्य होता है, जो नट का फोर्स है, जो नट के द्वारा दबाव दिया जा रहा है, उसको काफी अधिक बड़े क्षेत्र में वितरित करना होता है। कार्य के अनुसार कई प्रकार के वाशर होते हैं। सबसे पहला आता है प्लेन वाशर, जो कि सिंपल होता है आपका इस आकार का, ठीक है, प्लेन वाशर हो गया। प्लेन वाशर का कार्य, सबसे प्रमुख कार्य जो है, दाब को काफी अधिक क्षेत्र में फैलाने के लिए, जनरली हम प्लेन वाशर का ही सामान्य कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। इसका जो चैम्फर एंगल होता है 30 डिग्री पर, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि चैम्फर एंगल, वाशर का चैम्फर एंगल कितना होता है, 30 डिग्री होता है। वाशर के बाहरी डायमीटर की बात की जाए, जो ये बाहर वाला डायमीटर होता है, ये अगर इंच में पूछा जाए तो 2D + 1/8 इंच। डी क्या है, बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर है, जो बोल्ट है उसका नॉमिनल डायमीटर डी है। तो जो बाहरी व्यास हो गए 2D + 1/8 इंच, या इसी को कन्वर्ट किया जाए तो 2D + 3 mm, ये बोल्ट का बाहरी डायमीटर होता है। और इसके मोटाई की बात की जाए कि कितना मोटा होता है, तो 1/8D, जो भी आपका डायमीटर होगा उसका 1/8 इसकी क्या होती है, थिकनेस या मोटाई होती है। आउटर डाया कितना होता है, 2D + 3 mm, तो इसे नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा जाता है स्प्रिंग वाशर के बारे में। तो स्प्रिंग वाशर का प्रयोग हम ऐसे स्थानों पर करते हैं जहां पर पार्ट में काफी अधिक कंपन होता है, काफी अधिक वाइब्रेशन होती है, जॉर्किंग होती है, उसके कारण नट के ढीला होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे स्थान पे हम प्रयोग करते हैं स्प्रिंग वाशर, क्या करता है, उसके जो वाइब्रेशन होती है, जॉर्किंग होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और नट को ढीला होने से बचाता है। तो जहां भी कंपन अधिक होगी, जॉर्किंग होगी, वहां पर स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाएगा। ये सिंगल क्वाइल्स और डबल क्वाइल्स के रूप में मिलते हैं, मतलब क्वाइल के फॉर्म में मिलते हैं, जो कि सिंगल क्वाइल भी हो सकती है या फिर डबल क्वाइल भी हो सकती है। इसमें ग्रिप पैटर्न वाले भी कुछ आते हैं, कुछ गार्डर पैटर्न वाले भी होते हैं, कई प्रकार के वाशर होते हैं। स्प्रिंग वाशर आपको फिगर में अटैच कर दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा, बट मोस्टली सिंगल क्वाइल और डबल क्वाइल का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है टूथ लॉक वाशर। टूथ लॉक वाशर जनरली प्रयोग किए जाते हैं लॉकिंग अरेंजमेंट में, जहां पर हमें पार्टों को क्या करना होता है, एक दूसरे में लॉक करना होता है,
पार्टों को अस्थायी मतलब अस्थायी रूप से लॉक करना होता है, वहां पर प्रयोग करते हैं टूथ लॉक वॉशर का। लॉकिंग अरेंजमेंट में जब कभी झटका वगैरह लगेगा तो पार्ट क्या होगा, खुलने का भय रहता है, तो वहां प्रयोग करते हैं टीथ लॉक वॉशर, जिसमें जो टीथ होती है इसकी ग्रिपिंग ज्यादा होती है और पार्ट को काफी मजबूती से पकड़ लेता है। ज्यादातर इसका प्रयोग हम करते हैं ऑटोमोबाइल, जो भी आपके व्हीकल्स आते हैं, जो भी वाहन आते हैं, दो पहिया हो चार पहिया वाहन हो, उसमें जो आपके लॉकिंग अरेंजमेंट में वॉशर प्रयोग करते होता है टीथ लॉक वॉशर। नेक्स्ट आता है टेपर्ड वॉशर, इसका प्रयोग हम ऐसे संरचना वाले कार्यों में करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर वर्क में करते हैं जो की सरफेस क्या होती है टेपर सरफेस, जो टेपर सरफेस वाले जॉब होते हैं उसके हम स्ट्रक्चर वर्क में उसकी फिटिंग करते समय हम प्रयोग करते हैं टेपर्ड वॉशर का। जनरली जो बीम चैनल्स वगैरह होते हैं बीम चैनल में प्रयोग किया जाता है टेपर्ड वॉशर। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टैब वॉशर, कि टैब वॉशर का प्रयोग हम कब करते हैं, तो जब कभी हमारे नट किसी भी जॉब के एज के अब जो साइड है उसके किनारे पर लगे हो, जैसे मान लीजिए आपका कोई जॉब है, अब इधर नट कोई साइड के किनारे पर क्या है साइड पर लगा हुआ है, तो वहां पर उसको लॉक करने के लिए जो हम वॉशर प्रयोग करते होता है टैब वॉशर। तो किनारे या एज के पास नट को लॉक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, एज इट इज सेंटेंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा। वॉशर के बाद आते हैं अगले टॉपिक पर, स्टड के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्टड क्या होता है, एक बोल्ट के जैसा ही होता है, बस इसमें अंतर क्या होता है कि ये दोनों तरफ कुछ इस प्रकार का होता है, आपका ये स्टड मान लीजिए कुछ इस प्रकार का है, तो इसके इधर और इधर क्या होगी, यहाँ पर तो आपकी थ्रेड्स कटी होंगी, यहाँ पर आपकी क्या होती है थ्रेड्स कटी हुई होती है, बट यहाँ जो ये बीच वाला भाग होता है ये क्या रखा जाता है प्लेन रखा जाता है। तो स्टड एक धातु का टुकड़ा ही होता है जिसके दोनों सिरों पर क्या कटी होती है थ्रेड्स कटी हुई होती है, लेकिन जो बीच वाला भाग होता है वो प्लेन रखा जाता है। अब एग्जाम में पूछा क्या जाता है मेटल इंड के बारे में और नट इंड के बारे में, कि मेटल इंड क्या है और नट इंड क्या है। तो जो मशीन में जो पार्ट लगाया जाता है कि दो भाग है, एक इधर वाला एक इधर वाला, तो जो भाग मशीन में लगा होता है उस वाले सिरे को हम मेटल इंड कहते हैं, ये क्या होता है छोटा वाला सिरा होता है, और जो दूसरा लंबा वाला सिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं नट इंड कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो छोटा वाला सिरा होता है उसे क्या कहते हैं मेटल इंड कहते हैं, और यही मेटल इंड कहाँ लगाया जाता है मशीन में फिट होता है, और जो दूसरा वाला सिरा होता है जिस पर बोल्ट वगैरह लगाते हैं सॉरी नट्स वगैरह लगाते हैं ये क्या होता है अपेक्षाकृत उससे थोड़ा लंबा होता है, और इसे हम कहते हैं नट इंड। इधर क्या फिट करते हैं नट फिट करते हैं, ध्यान रखिएगा जिधर नट फिट करेंगे उसे नट इंड कहेंगे, थोड़ा लंबा होगा आकार में, और जो मशीन में फिट होगा उसे मेटल इंड कहेंगे, आकार में थोड़ा सा छोटा होगा। अब कुछ ऐसे भी वॉशर आते हैं जिसपे कॉलर बने होते हैं स्टड बने होते हैं जिसे कहते हैं, तो उसे हम स्टड वॉशर या कॉलर वॉशर के नाम से भी जानते हैं। जनरली वॉशर दो प्रकार के, एक हो गया प्लेन वॉशर और एक हो गया कॉलर या स्टड वॉशर, जिसमें बीच में स्टड बना होगा उसे स्टड वॉशर कहेंगे और जो प्लेन होगा उसे प्लेन वॉशर कहेंगे। यूज के अनुसार ये तीन प्रकार के पाए जाते हैं, ए और बी और सी ग्रेडों में पाए जाते हैं। जो ए ग्रेड वाला वॉशर होता है उसके मेटल इंड की लंबाई मतलब जो वाला छोटा वाला सिरा जो है मशीन में फिट हो रहा है उसकी लंबाई डी होती है, और किस प्रकार के मटेरियल के लिए उपयोग किया जाता है, तो जो ए ग्रेड वाला है ये जनरली स्टील के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो बी ग्रेड वाला स्टड आता है इसके मेटल इंड की लंबाई जो होती है छोटे सिरे की लंबाई 1.5D के बराबर होती है, और इसका प्रयोग जनरली कास्ट आयरन के जॉब में हम करते हैं। थर्ड वाला जो सी ग्रेड का है इसके मेटल छोटे इंड की लंबाई कितनी होती है 2D होती है, और इसका प्रयोग किया जाता है एल्यूमिनियम के जॉब में, जब हम कभी उसको फास्टनिंग करना होता है तो प्रयोग करते हैं सी ग्रेड वाले वॉशर का। साइज की बात की जाए सॉरी सी ग्रेड वाले स्टड का प्रयोग किया जाता है। स्टड के साइज की बात की जाए तो ये M4, M8, M12, M16 और M20 साइजों में मिलते हैं, चार चार के अंतर पर ये पाए जाते हैं, M4, M8, M12, M16, M20 की साइज में स्टड मिलते हैं। लंबाई की बात की जाए तो 25mm से लेकर के 200mm लंबाई में पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू डाया, कितने डायमीटर का हमें लेना है उस डायमीटर के अनुसार उसकी लंबाई भी बढ़ती जाती है, जिस प्रकार डायमीटर होगा उसी के अनुसार लंबाई भी बढ़ती जाएगी, और जनरली 25 से लेकर 200mm तक के पाए जाते हैं। ध्यान क्या रखना है यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेटल इंड कैसा होता है छोटा सिरा होता है मशीन में फिट होता है, और नट इंड क्या होता है लंबा वाला सिरा होता है जिस पर हम नट कसते हैं। इसके बाद बात करते हैं कॉटर की,
क्वार्टर क्या है, ये भी एक धातु का टुकड़ा होता है जो कि आयताकार क्रॉस सेक्शन में पाया जाता है। इसके एक साइड पर तो एक साइड तो पूरा प्लेन होता है और एक साइड 1/50 का टेपर होता है। जैसे एक साइड ही आपका प्लेन हो गया और एक एक साइड क्या होगा इसे कुछ करके आपका यहाँ पर 1/50 का टेपर होगा, कुछ इस प्रकार का क्वार्टर होता है। ठीक है, ये भी आयताकार क्रॉस सेक्शन में पाया जाता है। इसका प्रयोग हम शाफ्टों को जब आपस में जोड़ना होता है तो वहां करते हैं। ये क्या होता है, शाफ्ट के एक्सिस के क्रॉस में लगाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कैसे वर्क करता है, तो मान लीजिए ये आपकी कोई एक शाफ्ट है यहाँ पर, ये कोई शाफ्ट है और एक शाफ्ट आपकी यहाँ है, ठीक है, कोई दूसरी शाफ्ट इधर से है, तो इसकी एक्सिस कहाँ होगी, यही होगी आपके दोनों शाफ्ट है जो कि स्टेटर द्वारा जुड़े हैं, तो एक्सिस के क्या है, क्रॉस में लगाया जाता है। जो की होती है चाबी फिट की जाती है एक्सिस के पैरेलल समानांतर फिट की जाती है की जो होती है, और जो काटर है क्या है उसके क्या है लंबवत कह लीजिए या कह लीजिए क्रॉस में हम उसको फिट करते हैं। ठीक, तो शाफ्ट जो काटर है शाफ्ट के एक्सिस के क्रॉस में फिट किया जाएगा, आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है और 1/50 का इस पर टेपर दिया जाता है एक साइड पर, चूंकि आसानी से रिमूव हो सके। ज्वाइंट देख लेते हैं कि क्वार्टर ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के ज्वाइंट होते हैं शाफ्टों को जोड़ने के लिए। तो सबसे पहला होता है क्वार्टर ज्वाइंट, ऐसे दो रॉड जिसमें कि टेंशन है या फिर कंप्रेशन है, मतलब उसमें कंप्रेशन बल कार्य कर रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है या फिर टेंशन का फोर्स लग रहा है, खिंचाव बल लग रहा है, तो ऐसे दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए या दो रॉड को जोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं, जनरली काटर का प्रयोग किया जाता है जिसे हम काटर ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। ठीक, दूसरा आता है नकल ज्वाइंट। नकल ज्वाइंट क्या है, जब दो शाफ्ट के एक्सिस एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हो, मतलब एक ही बिंदु पर आके मिल रहे हो दो शाफ्ट के जो एक्सिस है, या फिर वो एक दूसरे को क्या कर रहे हो, काट रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो ऐसे शाफ्टों को या ऐसे रॉड्स को जोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं नकल ज्वाइंट। ठीक है, कहाँ प्रयोग करते हैं, जब दो शाफ्ट के एक्सिस एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे एक पॉइंट पर या फिर एक दूसरे को काटेंगे, तो वहां पर प्रयोग किया जाएगा नकल ज्वाइंट। और काटर ज्वाइंट कहाँ प्रयोग करते थे, जब दो शाफ्ट के मध्य में कंप्रेसिव फोर्स लग रहा था या फिर टेंसाइल फोर्स कार्य कर रहा था। नेक्स्ट है स्लीव एंड काटर ज्वाइंट। इसमें क्या करते हैं, पहले हम शाफ्ट को स्लीव में फिट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको काटर से जोड़ देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर स्लीव और काटर दोनों की सहायता से शाफ्ट को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। पहले उसको हम स्लीव में फिट करेंगे, फिर उसके बाद काटर से उसको जोड़ देंगे। नेक्स्ट है जिब एंड काटर ज्वाइंट। ये भी क्या है, वर्गाकार जो स्क्वायर शाफ्ट होती है या स्क्वायर रॉड होती है उसमें प्रयोग किया जाता है जिब एंड काटर ज्वाइंट का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, शाफ्ट में जिब को फिट करते हैं, उसके बाद हम काटर को फिट करके उसे एक पोजीशन में फिक्स कर देते हैं, जैसे कि उसकी स्थिति बदले ना। तो कुछ प्रकार के ज्वाइंट थे, इसमें ज्यादातर नकल ज्वाइंट और काटर ज्वाइंट के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद बात करते हैं पिन की। जैसे कि आपका जिस प्रकार से ये क्वार्टर कार्य करता है, क्वार्टर लगाया जाता है शाफ्ट के एक्सिस के क्रॉस में, उसी प्रकार जो पिन होती है ये भी शाफ्ट के एक्सिस के क्रॉस में फिट की जाती है, होल में फिट की जाती है। इसका प्रयोग हम जनरली लाइट ड्यूटी हल्के कार्यों के लिए करते हैं, जब हमें कम पावर ट्रांसमिशन करना होता है, काफी अधिक पावर ट्रांसमिशन, हल्के पावर ट्रांसमिशन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, हल्के कार्यों में जनरली प्रयोग की जाती है। ये भी शाफ्ट के एक्सिस के क्या क्रॉस में लगाई जाती है। कई प्रकार की पिन प्रयोग की जाती हैं। सबसे पहली है स्प्लिट पिन। स्प्लिट पिन क्या होती है, हाफ राउंड कह लीजिए, सेमी सर्किल या अर्धवृत्ताकार तार होता है, जिसको 180 डिग्री पर क्या करके मोड़ करके हम बनाते हैं स्प्लिट पिन। ठीक, कोई आपका ऐसे हाफ सर्किल का वायर है, ठीक है, इसको 180 डिग्री पर मोड़ के क्या करते हैं, इसमें हम बनाते हैं स्प्लिट पिन। ठीक है, ये जनरली माइल्ड स्टील वगैरह की होती है या फिर स्प्रिंग स्टील की ज्यादातर स्प्लिट पिन बनाई जाती है। यह 2.5 से लेकर 170 mm की लंबाई में पाई जाती है। बोल्ट व्यास के अनुसार अगर बात की जाए तो 0.6 mm डायमीटर से लेकर 20 mm डायमीटर तक की होती है। लगभग 16 साइजों में 16 साइज में उपलब्ध होती है। कौन पिन, स्प्लिट पिन। कैसी आकृति होती है, अर्धवृत्ताकार तार होता है, उसको 180 डिग्री पर मोड़कर बनाते हैं। साइज की लंबाई की बात किया तो 2.5 से 170 mm लंबाई तक डायमीटर, 0.6 mm से 20 mm तक का डायमीटर होता है, और साइज की बात किया तो 16 साइजों में पाई जाती है। नेक्स्ट आती है सॉलिड पिन। सॉलिड पिन ये माइल्ड स्टील की बनी होती है, जैसे स्प्लिट पिन की मोड़ना था हमें तो स्प्रिंग स्टील की बनी होती है जनरली।
सॉलिड पिन माइल्ड स्टील की बनी हुई होती है। इसका प्रयोग जो आपकी जो टेपर सॉलिड होते हैं, अगर उस पर बात की जाए टेपर सॉलिड पिन, तो उस पर 1/50 का टेपर दिया जाता है। जो एक साइड होती है दूसरे साइड की अपेक्षा 1/50 का उसमें डायमीटर में डिफरेंस होता है। ये 0 से लेकर 13 नंबर तक मतलब 14 साइजों में पाई जाती है। 0 से 13 तो दोनों जोड़ेंगे तो 14 साइजों में पाई जाती है। सॉलिड पिन पर टेपर की बात की जाएगी तो 1/50 का टेपर पाया जाता है। नेक्स्ट है हॉलो पिन। हॉलो पिन क्या है? गोलाकार पिन होती है जो कि बीच से खोखली होती है, हॉलो होती है। इसका प्रयोग हम करते हैं होल में क्लियरेंस को कम करने के लिए। मान लीजिए कोई आपका होल बना हुआ है और उस होल में क्लियरेंस ज्यादा है, तो इसमें हम एक पिन को फिट कर देते हैं जिससे कि उसके बीच में क्लियरेंस थोड़ा कम हो जाता है। तो होल के बीच में क्लियरेंस को कम करना है तो होलो पिन प्रयोग की जाएगी। नेक्स्ट आती है डॉबल पिन। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे हम गाइड पिन के नाम से भी जानते हैं। डॉबल पिन को किस और नाम से जानते हैं? तो गाइड पिन के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग करते जो स्प्लिट डाई होती है, स्प्लिट डाई को फिक्स करने के लिए या सहारा देने के लिए प्रयोग की जाती है डॉबल पिन। इसके बाद आती है गजन पिन, जिसे हम गजन पिन कहते हैं। यह भी एक खोखली पिन होती है, बीच से हॉलो होती है। इसे क्या करते हैं, सबसे पहले पिस्टन में लगाते हैं, उसके बाद इसके दोनों सिरों पर सर क्लिप लगा करके इसको एक उचित स्थान पर फिक्स कर दिया जाता है। तो गजन पिन के साथ हम प्रयोग करते हैं किसका? सर क्लिप का प्रयोग किया जाता है। ये भी कैसी होती है? खोखली होती है। इसके बाद कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे इस बार डीएमआरसी के एग्जाम में भी पूछा गया था पिनिंग के बारे में। स्पेलिंग कंफर्म करिएगा PEENING या फिर हिंदी में पिनिंग लिखा होता है। ये क्या है? जब हमें दो पार्टों को असेंबल करना होता है तो भी एक असेंबलिंग की ही विधि होती है जिसके द्वारा दो पार्टों को असेंबल किया जाता है। पूछा जाता है कि रिबिटिंग के समान कौन सी विधि होती है? तो हाँ, कई सारी विधियां दी गई होती है, आपको चूज करना होता है पिनिंग, PEENING। तो बेसिकली क्या है? मूल रूप से जिस प्रकार से हम रिबिटिंग करके पार्टों को जोड़ते हैं, उसी प्रकार से पिनिंग के द्वारा भी पार्टों को आपस में जोड़ा जाता है। तो पूछा जाता है इतने कि रिबिटिंग के समान कौन से पार्टों को जोड़ने की विधि होती है? तो वो होती है पिनिंग। फिगर इसका अटैच कर देंगे PDF में, आप वहां से जाकर थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं स्टैकिंग के बारे में। स्टैकिंग भी क्या है? असेंबली में पार्टों को रिटेन करने की, मतलब जब एक पार्ट को दूसरे पार्ट में लगाते हैं तो उसको धारण करने की जो क्षमता होती है, विधि होती है, उसी को हम कहते हैं स्टैकिंग। इसमें क्या करते हैं, एक पार्ट के कुछ भाग को या फिर उसके पूरे पार्ट को क्या करते हैं, एक दूसरे कंपोनेंट में ले जाकर हम फोर्स अप्लाई करते हैं या बलपूर्वक उसमें हम फिट कर देते हैं, जिससे कि फिट की दक्षता काफी अधिक सुधर जाती है और जो उसमें फिट होती है काफी बढ़िया से इम्प्रूव हो जाती है, काफी अच्छी फिट की प्राप्ति होती है। तो एक पार्ट को दूसरे पार्ट में फिट करना ही क्या है? स्टैकिंग है। और पिनिंग क्या है? रिबिटिंग के समान एक प्रक्रिया होती है। तो आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट होता है तो वीडियो को आप एक बार फिर से रिवर्स करके देखिए और पॉइंट को वीडियो को बीच में रोक करके आप नोट डाउन करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ बेस्ट डे, बेस्ट ऑफ लक।